नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के अभियान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने यह कहा था कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का गुब्बारा फुस हो चुका है और इसका आधार यह था सुशील मोदी के मुताबिक कि कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया कि राहुल गांधी विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरा होंगे, उम्मीदवार होंगे। यही नहीं, सोनिया गांधी से जब नीतीश कुमार मिलकर आए फिर सोनिया गांधी ने दोबारा नीतीश कुमार को मिलने का वक्त नहीं दिया, नहीं बुलाया। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता नहीं दिया और इन चीजों को आधार बनाकर सुशील मोदी ने दावा किया नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का गुब्बारा फूस हो चुका है। और दावा यह भी कि नीतीश कुमार 2 महीनों से दिल्ली नहीं गए हैं, 2-3 महीनों से दिल्ली नहीं गए हैं, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का जो विपक्षी एकता का अभियान था वो उसकी रफ्तार कुंद पड़ चुकी है, सुशील मोदी ने कहा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की यात्रा जब पूरी हो जाएगी उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात होगी। गैर भाजपा दलों की विपक्षी एकता और कांग्रेस की यात्रा के बारे में नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था, जिसके बारे में उन्होंने यह जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यात्रा कांग्रेस का कार्यक्रम है, हर पार्टी को यात्रा का अधिकार है। जब वे अपनी पार्टी का यह कार्यक्रम कर लेंगे तब हम उनके साथ बैठकर विपक्षी तालमेल के स्वरूप पर बात करेंगे। विभिन्न विपक्षी दलों के साथ हमारी बातचीत हुई है, हो रही है, ऐसे सभी दलों को एकजुट करने का प्रयास होगा। अभी तो हम खुद यात्रा पर निकल रहे हैं, इसके बाद इस मसले पर सबसे ज्यादा बात होगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि विपक्षी एकता की जो धार है वो कुंद नहीं पड़ी है, विपक्षी एकता का जो अभियान है वो थमा नहीं है, रुका नहीं है, विपक्षी एकता का अभियान जारी रहेगा। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस यात्रा के खत्म होने का इंतजार है और जब ये यात्रा खत्म होगी तब एक बार फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बातचीत की शुरुआत करेंगे। आपको याद होगा नीतीश कुमार इस मामले को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर देश के कई बड़े नेताओं से मिल चुके हैं, सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, ओम प्रकाश चौटाला से मिले। तो नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं, 2-3 महीनों से दिल्ली नहीं गए और कई दूसरे मामले को लेकर बीजेपी ने आधार बनाया कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का गुब्बारा फूस हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है विपक्षी एकता की बात राष्ट्रीय स्तर पर फिर होगी जब कांग्रेस की यात्रा खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।